Hey loves, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, ये 10 साइन है. आज की रीडिंग का टॉपिक है 10 साइंस यू विल सी इन योर फ्यूचर स्पाउस. क्या आपको पहचान में कि दिस इज़ माई ट्रू लव, दिस इज़ माई ट्रू लाइफ पार्टनर, दिस इज़ माई ट्रू सोलमेट, फ्यूचर स्पाउस. ओके, सो 10 साइंस है. आई विल टेल यू वन बाई वन, सो स्टे ट्यून टिल एंड. ओके, ताकि आपको पता चले. अच्छा, एक और बात कि इसमें से ऑब्वियसली ऑल साइंस नहीं होंगे. ओके लेकिन इफ़ यू नो दैम या आपको थोड़ा रेजोनेट होता है रीडिंग के साथ, तो उसमें से कुछ ना कुछ मैक्सिमम 7 to 8 तो आपके मिलेंगे ही मिलेंगे. ओके बट ऑफ कोर्स मुझे सबके लिए रीडिंग बनानी होती है, तो आई विल टेल यू एटलीस्ट 10 कि उसमें से आप देख लें कि आप अगर किसी के कनेक्शन में हैं या आप किसी को जानते हैं या नहीं भी जानते, स्टिल आपको रिकग्नाइज करने में फ्यूचर में होगी काफ़ी ईज. ठीक है, काफ़ी इजी होगा आपके लिए. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन. आपके फ्यूचर स्पाउस का पहला साइन क्या होगा. लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप. ओके, 2 of air and 9 of earth. पहला साइन आपके स्पाउस का ये हो सकता है कि ये बंदा थोड़ा सा फजूल खर्च है. ठीक है, नॉट अ माइजर. बिल्कुल भी इसको वो नहीं है कि मैं मतलब पैसे बचाऊँ. नो, आपको आपने आज एक चीज़ मांगी नहीं, उसी टाइम ये दूसरे टाइम ये ले करके आएंगे. ठीक है, 2 of air मतलब आपकी फरमाइश के आगे आपने उनसे जो मांगा है ऐसी चीज़ें. ठीक है, ये ना नहीं कह सकते. दे कांट टेल यू नो, दे कांट से नो. ओके, उनके बस में नहीं चलता. जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी सीन होगा, दे विल लिटरली स्पेंड ऑन यू. ठीक है, और अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं कि जो इज़ एब्सोल्यूट माइजर, जो ख़र्चा नहीं करना मांगता, पैसे बचाओ पैसे बचाओ पैसे बचाओ, दैट इज़ नॉट योर पर्सन. ठीक है, पैसे बचाना गलत नहीं है, पैसे बचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई एम टेलिंग यू द साइंस, उसके साइन. ओके, आपके ट्रू लव के साइन. पहला साइन तो ये रहा. लेट्स मूव टूवर्ड्स द साइन नंबर 2. साइन नंबर 2 क्या है आपके ट्रू लव का. 6 of cups, 2 of cups. ओ माय गॉड, सोलमेट, सोलमेट एनर्जी. ठीक है, अगेन मुझे इधर दिखता है कि दिस इज़ अ गिवर. 6 of cups and 2 of cups आपको पता नहीं है. दिस इज़ अ वेरी बिग गिवर. मतलब मोहब्बत हो, पैसा हो, स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग, और कुछ बदले में आपसे एक्सपेक्ट ना करना. आपका जो रियल पार्टनर है ना, जिसके लिए आपको बनाया हुआ गॉड ने, वो इस प्रकार के उसके नेचर है, इस टाइप का ही बंदा है. ठीक है, तो मुझे से दिखता है कि इसकी सेकंड साइन ये होगा कि आप देख लेना उसको कि ये बंदा आपको पुअर नीडी की हेल्प करते आप इसको देखोगे. और इसकी और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो ये है कि ये इंसान कभी भी आपसे, इसने जो आपके लिए ज़िंदगी में जो जो कुछ किया है, कभी भी आपसे इन रिटर्न नहीं मांगेगा और कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा. कि अगर आप एक सर्टेन लिमिटेशंस रखते हो शादी से पहले, तो ये बंदा कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा टू डिफाई दोज लिमिट्स के तुम उस लिमिट्स को क्रॉस करो. ठीक है, लेट्स सी मोर. थर्ड साइन, दिस इज स्टार एंड लाइफ एक्सपीरियंस. वेल, तीसरा साइन ये हो सकता है कि मुझे ऐसे दिखता है कि एज इफ़ इस पर्सन की जो एनर्जी है, दैट इज़ अ बिट सेलेस्टियल. मतलब ये जिसे बोलते हैं ना आसमान और ये सब, डेस्टिनी, अलाइनमेंट. ठीक है, तो मुझे ऐसे दिखता है कि ये सडन आपको ज़िंदगी में मिलेगा बंदा. ठीक है, और क्योंकि स्टार है, इट्स ऑल डेस्टिनी. जब भी आपको मिलेगा ना, आपके सितारे ऐसे अलाइनमेंट में आने हैं, ऐसे अलाइनमेंट में आने के ना तो आपको इस कनेक्शन में फोर्स करना पड़ेगा, ना ही आपको कभी उनके मैसेज का वेट करना पड़ेगा, और ना ही ये बंदा कभी भी आपको इंतज़ार करवाएगा, थर्ड पार्टी में डालेगा. एवरीथिंग विल सेटल इनटू इट्स प्लेस खुद ब खुद. और जैसे होता ना ऑटो पायलट पे जब जहाज़ चलता है, आपको पता हो एरोप्लेन ऑटो पायलट पे चलता है, उसको ऑटो पायलट पे लगा दो एक मोड पे, खुद ही चलता है, पायलट चाहे सो जाए. ठीक है, तो उस तरह से आपकी ज़िंदगी ऑटो पायलट पर चलेगी. अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं कि जहां आपको फोर्स करना पड़ता है, उसको मैसेज करना पड़ता है, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करता और आपको लिटरली फोर्सिंग दैम कि मुझे तुम कमिटमेंट दो, मुझे तुम रिश्ता बजवाओ, तुम ये तो वो। सॉरी टू से दैट इज़ नॉट योर मैन। तुमको सी 16 नंबर 17 नंबर ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपकी ज़िंदगी चलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सारा बंदा ये जो भी है खुद अरेंजमेंट करेगा हर चीज़ का, ये गॉड अरेंजमेंट करेंगे। उसने क्या करनी है, दिस इज़ यूनिवर्सल अरेंजमेंट। हर चीज़ अपने आप फिट बैठेगी, हर आपकी लाइफ का स्टेप एस्पेक्ट खुद फिट बैठेगा। ओके ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी फॉर दैट। ओके गाइज, फोर्थ साइन इज़ रिलीज एंड फोर ऑफ फायर। अच्छा, एक और साइन हो सकता है कि हो सकता है जब ये बंदा आपको मिले, जब आपकी स्पेशली शादी हो जाए, आपकी शादी में इतना देर नहीं लगना। ये भी एक साइन है, आपकी शादी में इतना देर नहीं लगना जितना आप सोचते हो, जितना और रिलेशनशिप में आपने वेट करा है, धक्के खाए हैं। साहब के बड़े मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, बेचारे पता नहीं कौन थी, शी वॉज लिटरली क्राइंग कि मैं ये 40+ एज हो गई है और स्टिल ही इज़ नॉट गिविंग हर कमिटमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको कभी वेट नहीं करना पड़ेगा जो आपका लिए बंदा होगा। ठीक है, अच्छा ये जो साइन है दैट इज़ द थिंग कि आपको शादी से पहले इनसे, ये शादी का कार्ड है 4 और 5, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कम इन टू यूनियन। इनसे शादी से पहले आपको कुछ चीज़ रिलीज़ करनी पड़ेगी, एंड इफ़ यू आर नॉट रेडी टू रिलीज़, आपको आपकी लाइफ से एक फेज़ एंड करना पड़ेगा। मे बी आपकी एक्स की थॉट्स हैं, उस कार्मिक पर्सन की थॉट्स हैं जिसने आपको लटकाया हुआ है सालों साल से और कमिटमेंट नहीं दे रहा। ठीक है, या नेगेटिविटी है, या आपकी ख़ुद की लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि मुझे मिल नहीं सकता। ठीक है, या लोगों के ताने, ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं छोड़ेंगे देयर, ये पर्सन आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपकी किस्मत में है, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। आपकी किस्मत में है, सोलमेट, एवरीथिंग, ट्रू लव, क्योंकि ये 4 और 5 है, दिस इज़ डिवाइन यूनियन, दिस इज़ 11 11। अगर आप गौर से इसको देख सको, इस कार्ड में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ये 2 वॉन्ड्स है और 2 वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 11 11। ओके, सो यू नीड टू रिलीज़। जैसे ही आप रिलीज़ करोगे उसको, तो उस रिलीज़ के फेज़ में जब आप बिल्कुल ही लेट गो कर दोगे पास्ट को, तो आपको जो मिलता है नेक्स्ट पार्टनर, ठीक है, वो है आपका पर्सन रियल। अगर आपको कोई ऐसा बंदा आपकी इस सिचुएशन में मिलता है कि अभी आपने रिलीज़ नहीं किया हुआ, आपको पता होगा आपका सिचुएशन का, आप स्टिल आपके पास थॉट्स चलती हैं, नेगेटिविटी चलती हैं, तो आपको अगर कोई पर्सन मिलता है तो आई एम सॉरी, आपका सेम लूप रिपीट होगा जो पहले होता रहा है। कौन सा लूप? रिजेक्शन, ब्रेकअप, थर्ड पार्टी, रोना धोना, कमिटमेंट नहीं देनी, और फिर इसी तरह से वो रिलेशनशिप भी एंड हो जाएगा। ओके, तो बी वेरी केयरफुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो बहुत केयरफुली एक्ट करो। जो भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, रिलीज़ करो, तो जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट एनर्जी आएगी वो है रियल बंदा। अब आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और लोगों पे? रियल पर्सन को मैनिफेस्ट करो, है ना भाई। इतना वक्त है, इतना समय है आपके पास, क्या बर्बाद करो और लोगों पर दिमाग भी ख़राब और आंसू मुफ्त के आपके। क्या, चलो आगे चलते हैं। 4 साइन हो गए, 5वां साइन देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ एयर। ओके, एंड यू गेटिंग पेज ऑफ अर्थ। ओके गाइस, इनका एक और साइन ये है कि ये पर्सन फाइनेंशियली एक तो वेल ऑफ है और ये हाई एजुकेटेड है, इसके पास बड़ी अच्छी डिग्री होगी एजुकेशन वाइज। ठीक है, एजुकेटेड है एटलीस्ट, इनका जो है ना, दिस पर्सन इज़ मास्टर्स इन समथिंग। ओके, तो मुझे तो जो दिखती है इनकी जो डिग्री में भी फाइनेंसेस में, किसी भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक में डिग्री हो सकती है, फाइनेंसेस अकाउंट्स में हो सकती है, या फिर ये एग्रीकल्चर साइड पर हो सकता है। जो मुझे यहाँ दिख रहा है एग्रीकल्चर में, मतलब ग्रोइंग या फूड, कुछ इस टाइप की सीन हो सकती है। फॉर अ फ्यू दे कैन ऑल्सो बी इन फैशन इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हो सकते, कुछ भी, एनीथिंग। बहुत वाइड रेंज है, वाइड स्पेक्ट्रम है, लेकिन इस बंदे का कम्युनिकेशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत, दिस पर्सन इज़ रियली पावरफुल कम्युनिकेटर। ओके, इनके बात करने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा कल्चर्ड है, बहुत ही मैनर्ड है, तमीज़ बड़ी है, और बहुत ही वाइज पर्सन। आपकी मम्मी को भी बहुत ये पसंद आएंगे कि तमीज़ वाला बच्चा है, इसको बात करने की हया है, तमीज़ है, इसकी आंखों में हया है, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस पर्सन इज़। लेकिन ये पर्सन कॉन्फिडेंट होगा, ये बता दूँ मैं आपको। मुझे ऐसे दिख रहा है एज इफ समबडी सिटिंग इन सूट। इनको कपड़े पहनने की भी बहुत तमीज़ है, और इनको फॉर्मल ड्रेसिंग पसंद है, इनको फॉर्मल टॉक पसंद है। और आपकी जो मदर फादर हैं उनको भी बहुत ही तमीज़ से बुलाएगा, तमीज़, उनको, उनकी इज़्ज़त करेगा, रिस्पेक्ट, ठीक है। चलिए जी, छठा साइन क्या है? हाउ विल यू रिकग्नाइज दैम? यूनिटी एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइज, ये एक साइन ये भी है कि इसकी फैमिली बड़ी है और ये फैमिली में रहना पसंद करता है, ठीक है। फैमिली में रहना पसंद करता है, ट्रेडिशनल है, स्पिरिचुअल है, और ये आपको जॉइंट फैमिली में रहने का बोलेगा, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वाटर आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लविंग, ठीक है। आप जो हो ना, आप उनकी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी होगी, चाहे ये फैमिली में रहता है, चाहे अपने ससुराल में रखेगा आपको आपके, लेकिन ये आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, आपका प्यार कम नहीं करेगा, आपकी जो जगह है, द वे यू आर, द थिंग यू आर, ठीक है, वो उसको कभी भी वो नहीं बोलेगा लाइक कि भाई तुम अपना ही जो है सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस कर दो, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे घर वालों को जो है ना वो टाइम दिया करो। नो, दिस इज़ नॉट द वे दिस पर्सन इज़। ओके, व्हाट एल्स? टेन ऑफ कप्स। सातवां साइन क्या है? टेन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ अर्थ। वेल, मुझे ऐसे दिखता है कि ना, आई थिंक ये आपको चार्ज देगा अपने फैमिली का, अपने घर का, ठीक है, कि आप घर संभालो। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग क्वीन एनर्जीज अ लॉट, क्वीन वन, क्वीन टू, क्वीन थ्री। तो आई थिंक यू वुड बी द क्वीन ऑफ हिज हाउस। मे बी इनकी जो मदर इन लॉ हैं वो, मतलब आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो आई थिंक चार्ज संभालने के काबिल या आई डोंट नो, मे बी शी इज सिक और वेरी ओल्ड, या फिर वो है ही नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मुझे ऐसे दिखता है कि आई थिंक ये पर्सन विल टेल यू कि आपने संभालना है घर पूरा। तो आई एम सीइंग अ चार्ज इन योर हैंड। ओके, और टेन ऑफ कप्स है, ऑब्वियसली आई एम डेड श्योर आप बहुत ही समझदार बच्चे हो, और आपको जो आपके फैमिली ने सीख दी है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही कंटेंटेड और प्यार भरा परिवार खड़ा कर सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज़ ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप में ट्रस्ट हो, रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत हो, तो दैट इज़ हाउ थिंग्स वुड बी इन दिस कनेक्शन। और ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे ना कि आप सबको जोड़ के रखोगे, आप को जिसे बोलते हैं ना मैनर्स हैं, ठीक है। सो या चलो भी, चौथी क्वीन भी आ गई, क्वीन ऑफ फायर। आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वीन। फोर क्वीन्स, क्वीन ऑफ एयर, क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ वाटर एंड क्वीन ऑफ फायर। यू हैव एवरीथिंग इन यू, ओके, द स्पॉट ऑफ बैलेंस। देखा, बैलेंस बनाकर आप रखते हो रिलेशनशिप में सब चीज़ें, ये चीज़ें वो नोटिस करते हैं, और वो इसीलिए उन्होंने आपको चूज़ भी करा होगा, क्योंकि समहा मुझे से दिखता है कि ये पर्सन चाहता है कि कोई ऐसा बंदा या बंदी हो कि जो उनके घर को संभाले। ओके, सो यू आर द वन, यू आर द कॉन्फिडेंट पर्सन, आप ही हाई एजुकेटेड हैं, और आप में सारे वो गुण हैं जो मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज ऑल फोर क्वीन्स आर प्रेजेंट, और ये क्वीन की एनर्जी आपकी है, दिस इज़ द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओके, तो उनका साइन ये है कि वो आपको बड़ा ना, इज़ नॉट अ इमैच्योर पर्सन, वो आपसे बोलेगा कि तुमने संभालना है घर को, मेरा घर संभालने वाला कोई नहीं है, या आई डोंट नो, मुझे बार बार चैनल मैसेज आ रहा है, मे बी हिज मदर इज़ सिक, वो बीमार है, एंड ही विल बी लाइक कि तुम ही ने करना है, तुम ही ने चार्ज लेना है। ओके, तो आई डोंट नो, ये थोड़ा सा इनकी फैमिली डिसफंक्शनल सी लग रही है। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ वो होती हैं जिसमें कुछ डेथ्स हो गई होती हैं या फिर कोई होता नहीं है या जो होते हैं वो लोग ठीक नहीं होते। ठीक है, तो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन को आपसे। आई डोंट नो आप रेडी हो एक्सपेक्टेशंस पूरा करने को या नहीं, बट ये इंसान ऐसा सोचता तो है आपके द्वार। ओके सो आगे चलते हैं। 8 हो गई। आई वॉन्ट टू सी 2 मोर। क्या है इनका साइन? ये बंदा वैसे भी बहुत कॉन्फिडेंट है और केयरिंग बहुत होगा। ओके गाइज, दिस इज़ द चैरियट एनर्जी एंड सम हाउ दिस इज़ द 3 ऑफ एयर। एक और साइन ये हो सकता है कि ये पर्सन किसी पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आपकी ओर आया हो, किसी को छोड़ के आपके पास आया हो। फॉर अ फ्यू ऑफ यू दिस कैन बी डिवोर्सी एज वेल, बट नॉट फॉर एवरीबडी। ये 3 ऑफ एयर का मतलब होता है कि इनका दिल टूटा होगा, इनका दिल जुड़ा हुआ नहीं होगा। ओके और चैरिटी एनर्जी इज़ लाइक ये आपको बताएंगे कि भाई मेरा दिल उसने तोड़ा था और लाइक मैं बहुत ही परेशान था और ये और वो। ठीक है, लेकिन चैरिटी एनर्जी है, दिस इज़ कैंसर एनर्जी और दिस इज़ अ ट्रैवल एनर्जी। और ये बोलेंगे कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं करना चाहता हूँ यहाँ से मूव ऑन, और क्या तुम मेरा साथ दोगी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो कि मैं अपने पुराने सारे घाव भूल जाऊँ। अच्छा, यहाँ पे जो 3 ऑफ एयर है ना, दिस इज़ नॉट अबाउट अ पर्सन ओनली। इस इट कैन बी कि मे बी इनको किसी ने बहुत बुरी तरह से बैक स्टैबिंग कभी करी हो, मतलब इनका दिल तोड़ा हो, धोखा दिया हो। ठीक है, दिस इज़ द डिसीव। ये कोई इनका अपना भाई भी हो सकता है। सो दिस इज़ द थिंग आई कैन सी, कोई रिलेटिव या भाई या इस तरह। तो आई थिंक बहुत टूटा हुआ होगा पर्सन और आप से ये हेल्प मांगेगा कि भाई तुम मेरी मदद करो आगे बढ़ने में। ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई मुझे ना ऐसे डिपेंडेंसी लग रही है इस पर्सन की आप पे, अपनी होने वाली पत्नी पे, कि शी विल कम। आप सोच रहे हो ही विल कम एंड सेव मी, वो सोच रहे शी विल कम एंड सेव मी। ये तो आप दोनों की वो बननी है स्ट्रेंथ। ठीक है, आप उसको सेव करोगे, वो आपको जो है वो करेगा। तो या आपकी भी डिमांड्स पूरी, उनकी भी डिमांड्स पूरी। सो या लेट्स सी द 9th साइन। 9th साइन। ओके 5 ऑफ एयर एंड पेज ऑफ फायर। गाइस इसका 9वां जो मुझे दिखता है यहाँ पे साइन, दैट इज़ द थिंग। ये बंदा थोड़ा सा हाइपरटेंशन का पेशेंट है। ठीक है, मतलब गुस्सा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा ना गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये बंदा हाइपरटेंशन नहीं, आई जस्ट सेड रॉन्ग, एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक्साइटेड, ओवर हाइपर एक्टिव। यस, हाइपर एक्टिव इज, हाइपर एक्टिव करना था, हाइपरटेंशन बोल दिए, हाइपर एक्टिव है। ठीक है, मतलब कोई अगर है ना, जैसे कोई इवेंट है घर में, ठीक है, तो इनको बहुत जल्दी एक्साइटमेंट हो जाती होगी या बहुत ही सारे घर में भागे फिरते होंगे और लाइक लिटरली इंजॉयज एवरी इवेंट ऑफ हाउस। और मुझे ऐसे दिखता है कि आई थिंक ये काफ़ी अच्छा वो भी है, एनालिसिस इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा कि किसी बंदे का एनालिसिस करता है ना तो वाकई में बंदा वैसा होता है। तो एनालिटिकल पावर्स स्ट्रॉन्ग है इसकी। तो ये था जी आपका 9th साइन। ओके 10th साइन, ये खुद आया है कार्ड, हर्मिट एंड 8 ऑफ कप्स। खैर आखिरी साइन इनका लास्ट ये है कि पाइल तो है नहीं, दिस इज जनरल रीडिंग बट स्टिल 10 साइंस। हर्मिट एनर्जी है एंड द 8 ऑफ वाटर। ये पर्सन ना प्राइवेट पर्सन है, पहली बात इस कार्ड के द्वारा। ये पर्सन थोड़ा प्राइवेट, बल्कि काफ़ी प्राइवेट पर्सन है और इसको अपनी प्राइवेसी में इंटरफेरेंस ज़रा 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 पसंद नहीं है। बट 8 ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स, या दैट इज़ लाइक ये पर्सन ही वॉन्ट्स, ही विल मूव ऑन फ्रॉम पास्ट। ओके ये बंदा, आप एक चीज़ इसमें नोटिस करोगे कि ये पुरानी चीज़ों को इतना याद नहीं रखता क्योंकि ये सेल्फ रिफ्लेक्टर है। ठीक है, ये कार्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन का होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बात होती है घर में, ठीक है, कोई गलती हुई है या कोई परेशानी आई, तो ये विल ऑलवेज थिंक कि भाई मेरी क्या गलती है, मेरी तो नहीं गलती की। सबसे पहले अपनी गलती ठीक करने जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इज टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, हर एक को ये माफ़ कर रहे हैं। नो, एट ऑफ कप्स, ये इंसान छोड़ भी देता होता है क्योंकि इंसान बहुत हाईली वो है, इसके स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वैल्यूज़ बहुत हाई है। ओके, तो ये इंसान मूव ऑन भी कर जाता होता है अगर इसको लाइक कहीं से प्रॉपर ऑनेस्टी ना मिले। जितने ऑनेस्ट ये हैं इनको अकॉर्डिंगली उस ना रेसिप्रोकेशन हो, तो ये विल लिटरली लीव दैट जगह। ओके, सो ये कोई साइंस हैं आपके जो ट्रू पार्टनर है उसके, ठीक है। तो अगर तो रेजोनेट होते हैं आपके करंट पार्टनर से तो वेरी एंड गुड, अदरवाइज अगर वो किसी और तरह के हैं तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ योर राइट वन। ओके, बट स्टिल दिस इज जनरल रीडिंग है ये, तो इसको कोई आपने किसी चीज़ को प्राइवेट मतलब पर्सनली नहीं लेना, इट इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।